नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज हम शिक्षा मित्र के मामले में बात करेंगे और शिक्षा मित्र की एक दो न्यूज़ हम आपको बताएंगे, बेसिक शिक्षा की खबरें भी बताएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखने के लिए, अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा लें बेल आइकन को, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके सबसे पहले। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बताते हैं आज हमारे पास क्या क्या अपडेट हैं शिक्षा मित्रों को लेके और बी शिक्षा को लेके। इसमें सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आज धर्मेंद्र कुमार पांडे जी के द्वारा और सचिन शर्मा क्रांति के द्वारा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के आवास पर अनशन रखा गया था शिक्षा मित्रों के द्वारा। वहाँ शिक्षा मित्र संघ इकट्ठे हो रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं और उनकी मांग थी कि आप जल्द से जल्द, जो भी आपकी कमेटी ने निर्णय लिया था, हाई पावर कमेटी बनी थी या जो भी आपकी सरकार ने अब तक शिक्षा मित्रों के लिए सोच रखा है, वो जल्द से जल्द खुलासा कर दें, उसकी घोषणा करें, क्योंकि अभी तक सरकार के द्वारा शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई। कैबिनेट बैठक में निराशा हाथ लगी, इसके बाद शिक्षा मित्रों को और एक और झटका लगा सरकार की तरफ से। आखिरी उम्मीद भी लगभग ख़त्म हो गई, लेकिन तभी सचिन शर्मा क्रांति जी ने ये सूचना दी कि 4 तारीख को अनशन किया जा रहा है, उसके बाद 6 तारीख को फिर से एक रोड शो किया जाएगा, जिसमें शिक्षा मित्रों की मांगों को पुरजोर सरकार के समक्ष रखा जाएगा। देखते हैं कि क्रांति जी की और धर्मेंद्र कुमार पांडे जी की ये नीति, यह प्रयास कितना सफल रहता है और शिक्षा मित्रों को क्या कुछ हासिल होगा, क्योंकि अजय कुमार जी ने भी कहा है कि 5 मार्च तक शायद सरकार कोई घोषणा कर दे, लेकिन ये भी तय हो गया है लगभग कि शायद 7 या 8 मार्च की शाम को आचार संहिता लग जाएगी। तो समय बहुत कम है, लिमिटेड है, इसमें शिक्षा मित्रों को क्या हासिल होता है जल्दी ही हम आपको अपडेट कराते रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से। इसके बाद हम दूसरी बात कर रहे हैं, वो है बरेली ज़िले से। बरेली ज़िले में शिक्षकों ने ई अटेंडेंस के द्वारा अपनी हाजिरी देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमारा मोबाइल हमारी एक निजी संपत्ति है, इस पे चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन अगर सरकार को या प्रशासन को अटेंडेंस लगवानी है तो वो अपना मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी हो विद्यालय में प्रोवाइड कराएं, उन्हें दें, तभी उसके बाद ही वो अटेंडेंस देंगे। अटेंडेंस जो है इको अटेंडेंस एक ऐप है, उसके माध्यम से उसमें बच्चों की उपस्थिति और अध्यापकों की उपस्थिति लगनी थी। फिलहाल इस स्कीम को लागू ना होने के कारण ये भी रहा है कि वहाँ पर करीब 3 लाख बच्चे हैं, लेकिन जो है डाटा फीडिंग भी अभी पूरी नहीं हो पाई, इस वजह से वो अटेंडेंस इको अटेंडेंस का ऐप इतना नहीं चला, लेकिन शिक्षकों का स्पष्ट तौर पर वहाँ पर विरोध भी जाहिर हो गया है। तो अटेंडेंस से उपस्थिति लगना एक बरेली में लगभग अब नहीं होगा। इसके बाद जो हम अब आपको अगली खबर बता रहे हैं वो है, आपने पहले भी पढ़ी होगी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, प्रधानमंत्री श्रम धन योगी योजना, यानी इस योजना के अंतर्गत एक लेटर जारी किया गया था सरकार के द्वारा, जिसमें आंगनबाड़ी, आशाओं, जहाँ तक कि ग्राम रोजगार सेवक जो होते हैं उनको भी, और मेडिकल डिपार्टमेंट में भी, शिक्षा विभाग में तो हमने बताया दिया, रसोईयां थी, शिक्षा मित्र का नाम उसमें नहीं था, लेकिन फिर भी कई भी ऐसे महोदय के द्वारा अपने अपने ज़िले में शिक्षा मित्रों का नाम जो है पत्र में शामिल कर लिया गया है। अब यह बात आती है 2 की, आखिरकार शिक्षा मित्रों को इस श्रम धन योगी योजना में भाग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये 2 विचार अलग अलग आपस में मिल रहे हैं, लेकिन इनके बारे में पहले इस योजना के बारे में थोड़ा आपको बता दें कि 18 साल से लेके 40 साल तक के बीच के ही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 18 साल से कटौती शुरू होगी और मिनिमम 55 रुपये से लेके मैक्सिमम 200 रुपये तक जाएगी। 5 पत्ते पहले 3-3 रुपये बढ़ते हैं, 55, 58, 61 ऐसे बढ़ते हैं, फिर 5-5 रुपये बढ़ते हैं, फिर 10-10 रुपये बढ़ते हैं, हर साल पे कटौती बढ़ती जाती है और लास्ट में 40 तक 200 रुपये है, 200 से ज़्यादा नहीं है और 40 से ऊपर कोई भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। जितना पैसा आपका कटेगा उतना ही पैसा सरकार उसमें जमा करेगी, यानी जितने पैसे आपके कट के जमा हो रहे हैं उतना ही पैसा सरकार देती है, और 60 वर्ष पर रिटायर होने के बाद या 60 वर्ष बाद 3,000 रुपये प्रति माह की एक पेंशन बन जाएगी। तो
एक तरह से योजना काफ़ी अच्छी है, सही है। जिन्हें जो मानदेय पे काम कर रहे हैं, 15,000 प्रति माह की मानदेय से कम जो काम कर रहे हैं, चाहे वो मजदूर हों चाहे संविदा कर्मी हों, वो ये काम कर रहे हैं, उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। अब इसमें विरोधाभास क्या था कि एक ये भी खबर आई सामने कि अगर आप श्रम धन योगी योजना में अपनी स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो इसका मतलब आप स्वीकार करते हैं कि आप एक मजदूर हैं, एक एक दैनिक भत्ता वाले व्यक्ति हैं, जो कर्मचारी हैं वो हैं। अब उसमें कभी भी आप अपने रेगुलेशन की मांग नहीं उठा पाएंगे, यानी कभी भी सरकार से नियमितीकरण की मांग नहीं उठा पाएंगे। शिक्षा मित्रों को इसमें नामांकन करवाने के लिए कई BSA के द्वारा लेटर जारी किया गया, तो कहीं पर किसी के द्वारा इसका विरोध किया गया कि नहीं भाई, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पूरी तरीके से आप स्वेच्छा से उसमें फंस जाएंगे और आप कभी भी अपने आप को रेगुलेशन में नहीं दिखा पाएंगे। ये मामला रहा कि इससे अच्छा तो है कि शिक्षा मित्रों के लिए PPF अकाउंट खोल दिया जाए। PPF अकाउंट में वो अपना पैसा जमा करें, पैसा कटौती करवाएं, और उसमें अगर कटता है तो वो अच्छी बात है, उससे आप भविष्य में रेगुलर होने की संभावना कर सकते हैं। लेकिन सारी बात तो ये है कि शिक्षा मित्रों का नाम तो उस लेटर में था ही नहीं। शिक्षा मित्रों का नाम तो जिले स्तर पर BSA महोदय द्वारा जारी किया जा रहा है, और शिक्षा मित्र एक योजना के अंतर्गत हैं। वो योजना 2019 में ख़त्म हो रही है, उसका क्या नाम आएगा, किस नई तरीके से योजना आएगी, शिक्षा मित्रों को कैसे समाहित किया जाएगा, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन जब इसमें शिक्षा मित्र का नाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका मुद्दा ये भी है कि अभी शिक्षा मित्र का आगे क्या क्या योजना के अंतर्गत उसको सेवा दी जाएगी, कि कितना मानदेय होगा, इसलिए ये भी निर्धारित नहीं है। बाकी ये रहता है कि शिक्षा मित्रों को इसमें जरूर सम्मिलित हो लेना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी योजना है और मानदेय कटौती होने से भविष्य भी सुरक्षित रहता है। सारी बात निचोड़ के तो यहाँ आती है कि शिक्षा मित्रों को, आंगनबाड़ियों को, रसोइयों को, किनको इन इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अब शिक्षा मित्रों की ज़्यादातर जो परसेंटेज निकल के आएगी वो 35 से 55 के बीच के निकल के आएंगे। शिक्षा मित्रों को कार्य करते हुए लगभग 17-18 वर्ष हो चुके हैं, तो इतने वर्ष पर अधिकतर शिक्षा मित्रों की उम्र 40 साल से ऊपर है, तो 40 साल से ऊपर होने की वजह से उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ के साथ स्कूल में रसोइयों का जो चयन होता है वो भी एक विधवा होती हैं और विकल्प होते हैं, लेकिन अब जीएलटी भी देखा जाए तो उन रसोइयों की उम्र भी लगभग 40 के बाद ही होती है, जो बड़ी बूढ़ी होती हैं, कई जगह तो ऐसे भी काम करती हैं, तो 40 से ऊपर होने की वजह से उनको भी इसका योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पुरानी आंगनबाड़ियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, यानी कहने का मतलब है कि जितने लोग इस समय कार्यरत कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर तो लोग 40 से ऊपर हैं और इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो बात सारी यहीं पर आ गई कि श्रमदान योजना में निकाली गई, लेकिन शिक्षा मित्र इसमें अगर पार्टिसिपेट करना भी चाहता है, अगर इसमें रजिस्ट्रेशन कराना भी चाहता है, तो बहुत से उससे वैसे ही बाहर हो रहे हैं। तो एक नई योजना के बारे में और हम बता देते हैं, सरकार की एक निकली है वह है कन्या सुमंगलम योजना। ये योजना ऐसी है जहाँ पर आप कक्षा 1 में और कक्षा 6 में प्रवेश करने वाली एक परिवार की 2 बालिकाओं को, यानी 2 बच्चियों को, 2 लड़कियों को सरकार एक मुश्त 2,000 रुपये देगी। इसके लिए उन्होंने कई कंडीशन भी रख रखी हैं और कई लेवल बना रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेवल बना रखे हैं, यानी पहली और सिक्स में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपये है, इंटर कॉलेज में प्रवेश लेने पर भी पैसे हैं, और डिग्री कॉलेज में पैसे या डिप्लोमा करने के प्रवेश लेने पर भी कन्याओं को पैसे दिए जाएंगे, एक मुश्त पैसे दिए जाएंगे। और भी एक लेवल है कि जिसमें टीकाकरण अच्छा हो गया हो, पूरा हो गया हो, इनमें वो बालिकाएं शामिल होंगी जो 1 अप्रैल 2019 के बाद भी जन्म लेती हैं, वो भी शामिल हो जाएंगी। एक परिवार की 2 ही बालिकाएँ मानी जाएंगी। यदि एक परिवार में एक दंपति पास एक लड़की है और दूसरी डिलीवरी में जुड़वा लड़कियां हो जाती हैं, तो इस कंडीशन में 3 लड़कियों को ये योजना का लाभ मिल सकता है। तो ये सारी योजना है, सरकार इस समय चुनाव के पहले नज़दीक से ही सब निकाल रही है, कितने लोग इसका लाभ लेंगे। आप इसकी सारी जानकारी वेबसाइट के द्वारा ले सकते हैं और मैं भी अपनी वेबसाइट पर इसको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इस वेबसाइट पर जाके लिंक को क्लिक करके सारी अपडेट देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट। हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल पर वीडियो को देखते रहिए। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और दोस्तों इतनी अच्छी जानकारी हम आपको देते रहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, उस पर मैं अपनी द्वारा लिखित कुछ पोइम्स हैं इंग्लिश और हिंदी के, और ऑटोबायोग्राफी भी जल्दी ही लिखने जाऊंगा, तो उस पर आप हम मेरे बारे में और अधिक जान सकते हैं नीचे वेबसाइट पर जाके। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं हूँ आपका साथी गोपाल सिंह, नमस्कार।